हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ सीआरपीसी, जिसकी हेडिंग है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और प्रोडक्शन ऑफ पीपल, यानी कि पीपल का खुद का प्रोडक्शन और थिंग्स का प्रोडक्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और चैप्टर नंबर 7 में हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? थिंग्स से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स से रिलेटेड। इसमें किसी भी इंसान के अपीयरेंस के से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है। और जो अपीयरेंस ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, वो कौन से चैप्टर में डील होता है? वो डील होता है चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 7 को हम डील करते हैं। इसको हमने देखो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। तो पार्ट ए में हम करेंगे सेक्शन नंबर 91 और 92, और बाकी आगे हम बताते जाएंगे। बट इसमें देखो चार पार्ट्स हैं, और इसमें कितने सेक्शंस कवर होते हैं? सेक्शन नंबर 91 से लेकर के सेक्शन नंबर कितने कवर होते हैं? 105, ठीक है, 105 ए से आगे हम चैप्टर नंबर 7 ए में आ जाता है। तो कितने? 91 से लेकर के 105 सेक्शंस हैं। बहुत अच्छा नंबर है ये, बहुत ही आइडल नंबर है 91 और से लेकर के 105, ठीक है, एक पूरा ऑड नंबर क्रिएट होता है। अब हम चलते हैं इसके स्टार्टिंग में ट्रिक्स की। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 91। इसमें सिंपल है कि समन्स देना है किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग। क्या है? समन्स है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या फिर अदर थिंग्स। और सेक्शन नंबर 92 में डील होता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स, ठीक है। क्या तुमको प्रेजेंट करना है? लेटर करना है, टेलीग्राम करना है। अब इसका प्रोसीजर अलग क्यों है? देखो, डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर थिंग्स जो है, ये क्या होते हैं? ये जनरल डॉक्यूमेंट्स, ये कोई पर्सनल चीज से रिलेटेड नहीं है। पर ये जो लेटर और टेलीग्राम है, ये पर्सनल चीज से रिलेटेड है। तो ये क्या होगी? ये हो गया जनरल, ये हो गया पर्सनल, ठीक है, जनरल और पर्सनल में इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 93 से लेकर के 98, ठीक है। कैसे याद रखोगे आप 93 और उसको ऐसे 8 बना दो, ठीक है, क्या हो गया? 93 से लेकर के 98, 93 से लेकर के 98 जो सेक्शन है उसकी हेडिंग है सर्च वारंट्स। अब तुम्हें क्या करना है? तुमने समन दिया, यहाँ पे चीजें नहीं आई आपके पास, तो फिर इसके बाद आप क्या रिलीज करोगे? आप वारंट रिलीज करोगे। तो सर्च वारंट में सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 93, इसमें है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। अब देखो, तुम सर्च वारंट तुम्हें इशू करना है, पर कब इशू करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है कब करना है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 94, ये बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। आपने सर्च वारंट रिलीज कर दिया, फिर इसके बाद आप वो वारंट लेकर के किसी जगह में जाते हो जिसकी आपको सर्च करनी है, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक्सेट्रा और चीजें हैं। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 95 और 96। 95, 96 दोनों रिलेटेड है, और 97, 98 दोनों रिलेटेड है। अब मैं बताती हूँ कैसे। 95 जो है वो बात करता है पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशंस फोरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। कुछ ऐसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह होती हैं जिनको आप फोरफीटेड डिक्लेयर कर देते हो। पब्लिकेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप डिक्लेयर कर देते हो कि इनको फोरफीट करना है, इनको आपको पब्लिक को नहीं देना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है? वारंट आप जारी कर देते हो कि इसे सर्च करो और इसे अपने पास रखो, इसे क्या है, लोगों पे नहीं जानी चाहिए, इसे पब्लिकेशन इसकी जो है स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो चीज इसमें जो लिखी हुई है वो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 96, इसमें है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर, ठीक है। अब देखो, कोर्ट जो है आपको एक रिड्रेसल का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि इधर तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको दबोच लिया जाएगा, बट इधर क्या बोल दिया कि ठीक है हाई कोर्ट के पास आप जाकर के बोल सकते हो कि ठीक है एप्लीकेशन दे सकते हो कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को छोड़ो, क्योंकि हमें इन्हें लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। देन इसके बाद आ जाता है बाकी दो सेक्शंस 97 और 98। 97 बात करता है सर्च ऑफ पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड। इसमें क्या है? ये क्या है? कन्फाइंड है। ये क्या है? सर्च से रिलेटेड है, सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, ठीक है। ये क्या है? मिनी हेबियस कॉर्पस वाला सेक्शन है, ये सेक्शन 97। सेक्शन 97 बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखिएगा। 97 को क्या बोलते हैं हम? मिनी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है? एक रिट है। ये रिट का मतलब क्या होता है? टू प्रेजेंट द बॉडी, वेयर इज द बॉडी, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फाइन कर लेता है, जेल में बंद कर देता है, या फिर कहीं भी कोई भी कन्फाइन कर देता है ना, कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी, तो आप क्या कर सकते हो? रिट डाल सकते हो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कि आस्किंग फॉर द बॉडी, वेयर इज द बॉडी, वेयर इज द पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है? मिनी हेबियस कॉर्पस, सेक्शन 97। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 98, इसमें है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल, ठीक है। इसमें क्या है? फीमेल जो है, अब देखो ये क्या हो गया, ये जनरल हो गया। ये क्या है? एबडक्टेड फीमेल से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक अलग से सेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि क्या है, इस चीज को, इस काम को जल्दी से क्या कर दिया जाए, इसका निपटारा कर दिया जाए, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है क्या है? पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल, ठीक है। एबडक्टेड फीमेल वाली जो प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से क्या कर दिया जाए? सॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट इसके बाद पोर्शन आता है सी। सी पोर्शन क्या बात करता है? जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस, ठीक है। ये क्या है? जनरल
प्रोविजंस हैं, ठीक है, किससे सर्च से रिलेटेड, ये क्या हो गया समन्स दे दो, ये क्या हो गया सर्च वारंट दे दो, अब ये क्या हो गया, अब सर्च वारंट तो आ गया, अब सर्च करना है तो उसके जनरल प्रोविजंस। सेक्शन नंबर 100 बहुत ही फेमस सेक्शन है सर्च से रिलेटेड, ठीक है, तो सेक्शन 99 से लेकर के 101 में आता है इसमें। सेक्शन 99 बात करता है डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट, ठीक है, सर्च वारंट से रिलेटेड जो है ये क्या डायरेक्शन दे रहे हैं एरोस, है ना, तो डायरेक्शन किससे रिलेटेड, सर्च वारंट से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 100 में है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। सेक्शन 100 मैंने आपको बताया फेमस सेक्शन है, ये क्या है, ये पर्सन है, ये क्लोज प्लेस में है, मान लो आपका जो घर है वो एक क्लोज प्लेस है, तो आपके घर में अगर कोई आएगा सर्च करने तो वो आपको क्या दिखाएगा, सर्च वारंट दिखाएगा, और फिर इसके बाद उस इंसान को क्या करना होगा, अलाउ करना होगा, हेल्प करना होगा कि वो इंसान उसकी यानी कि जो भी ऑफिसर आया है वो क्या कर सके, सर्च कर सके, ठीक है, तो उसमें वही है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, उन्हें क्या करना है, अलाउ करनी है सर्च। देन लास्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 101, इसमें है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिस्डिक्शन। ये क्या है, ये इंडिया है, ये ज्यूरिस्डिक्शन है, ये क्या है बियॉन्ड ज्यूरिस्डिक्शन, कोई चीज मिली है तो उसे क्या कर दो, डिस्पोज कर दो, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिस्डिक्शन। नेक्स्ट पोर्शन जो डील करता है 102 से लेकर के 105, इसमें है मिसलेनियस प्रोविजंस। क्या है मिसलेनियस प्रोविजंस, 102 में है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है पुलिस की पावर है क्या करने की, सीज करने की सर्टेन प्रॉपर्टी। 103 में है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट बोलेगा मेरे प्रेजेंस में सर्च करो, है ना, ये पुलिस की पावर, ये मजिस्ट्रेट की भी एक तरह से पावर हो गई, वो बोलेगा मेरे सामने ही सर्च करो। देन 104 में है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस, ठीक है, ये पावर से रिलेटेड एक तरह से डील कर रहा है कि पावर है क्या करने की, इम्पाउंड करने की डॉक्यूमेंट्स यानी कि उसको रख लेने की। देन इसके बाद 105 में रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस। अब देखो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के डायग्राम से आप इसको समझ लो कि 105 में आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, ठीक है, और 105A से लेकर के हम L तक यानी कि 105A से लेकर के L तक जो हमने डील किया है एक चैप्टर है, हमने कर लिया ये वाला चैप्टर 7A, किसमें 7A में आप एक बार इसे देख लेना, इसमें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से ही रिलेटेड पूरे प्रोविजन है, ठीक है, कि मान लो आपके अपने ज्यूरिस्डिक्शन से नहीं बट दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई भी अरेंजमेंट्स करने हैं तो वो क्या करने हैं कैसे करने हैं उसका पूरा जो प्रोसेस है वो है ए से लेकर के एल तक में। तो अब हम चलते हैं इसके बैरेट के प्रोविजंस पे। तो सबसे पहला पोर्शन है ए पोर्शन जिसकी हेडिंग है समन्स टू प्रोड्यूस, ठीक है, समन्स टू प्रोड्यूस। अब इधर क्या है बुलावा भेजा जा रहा है, ठीक है, और अगर समन्स को तुम अब्लाइज नहीं करोगे तो तुम्हें वारंट भेजा जाएगा। तो सबसे पहले समन्स टू प्रोड्यूस क्या है, डॉक्यूमेंट या फिर अदर थिंग्स। अब इसमें समन्स टू प्रोड्यूस कोई भी डॉक्यूमेंट थोड़ी बुला लिया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा ये क्या, देखो कोर्ट या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अगर लगता है कि ये जरूरी है डॉक्यूमेंट या फिर डिजायरेबल है, ठीक है, किस चीज के लिए, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग्स। तीन चीज याद रखना, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है, तो कोर्ट या फिर वो ऑफिसर क्या करेगा, कोर्ट या फिर वो ऑफिसर क्या करेगा, इशू कर देगा समन्स, ठीक है, और सच ऑफिसर अ रिटन ऑर्डर, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इसमें समन्स भी हो सकता है या फिर रिटन ऑर्डर भी हो सकता है, तो समन्स प्लस रिटन ऑर्डर, ठीक है, समन्स प्लस रिटन ऑर्डर, आप याद रखना समन्स प्लस रिटन ऑर्डर दो चीजें हैं इसमें। वो ऑर्डर किसको भेजेंगे समन्स या रिटन ऑर्डर, अरे जिसके पोजेशन में है वो चीज या फिर जिसके पावर में है वो डॉक्यूमेंट या फिर थिंग, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि दे बिलीव कि उसके पोजेशन में है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे कि तुम अटेंड करो और प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट। दूसरे इसमें सबसेक्शन में ये लिखा हुआ है कि देखो अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट बुलाई गई है, तुमसे बोला है कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो जरूरी नहीं है कि तुम खुद आओ, तुम्हें बस प्रोड्यूस करना है, जरूरी नहीं है कि तुम पर्सनली अटेंड करो। अब इसमें क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। और 123 और 124 किससे डील करता है, 123 डील करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ये क्या है, ये विटनेस से क्या है डॉक्यूमेंट्स मांगी जा रही है या फिर उससे बोला जा रहा है कि एविडेंस दो अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये क्या बड़ी बड़ी चीजें हो गई, तो इसमें हर चीज तुम नहीं मांग सकते हो, ये कुछ ऐसी चीजें हो गई जो रहस्य रखनी जरूरी है। देन इसके बाद क्या है सबसेक्शन 3 का बी, टू अप्लाई टू अ लेटर पोस्ट कार्ड टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, ठीक है, ये जो है इन सब अथॉरिटीज पे अप्लाई नहीं होगा, तो इस पे तो अप्लाई नहीं हो रहा है और इस पे भी अप्लाई नहीं होगा, पर अगर ये वाली चीजें मंगानी है तो क्या होगा, उसके लिए है सेक्शन 92, ठीक है, इसमें क्या है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स, ठीक है, लेटर्स एंड टेलीग्राम्स मैंने बताया था ये किसके अंडर में होती है, ये पोस्टल या फिर टेलीग्राम टेलीग्राफ अथॉरिटी के अंडर होती है, ठीक है, इसमें क्या है इफ एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, ठीक है, इनके कस्टडी में है, और ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट इनके ओपिनियन में क्या है दे वॉन्ट इट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स, ये ऊपर भी आपको याद रखना है ना, तो क्या करेंगे सच मजिस्ट्रेट कोर्ट
may require the postal or telegraph authority as the case may be to deliver the document, parcel or thing. ठीक है, अब देखो तुम्हें जो चाहिए वो उनसे यही बोलोगे ना कि हमें ये चीज डिलीवर करो, बस वही चीज है, तो वो क्या कर देंगे, बोलेंगे कि हमें डिलीवर कर दो. नेक्स्ट इसकी बात क्या है, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, ठीक है, किसी और मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में, वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल और ऑफ एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वॉन्टेड फॉर एनी सच पर्पज, ही मे रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में बी टू कॉज सर्च टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट. ठीक है, क्या करना है, सर्च करना है, डिटेन करना है उन डॉक्यूमेंट को, पार्सल या थिंग को, पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम और कोर्ट और अंडर सब सेक्शन 1. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट इनसे चाहिए वो आप इन्हें बोल दो कि हमें चाहिए, इनकी अथॉरिटीज को बोल दो और फिर वो क्या करेंगे, वो उसे डिलीवर कर देंगे, बस दे वॉन्ट देम टू बी डिलीवर्ड. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 93. ये किस हेडिंग में है, सर्च वारंट की हेडिंग में है. इसमें है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड. अब देखो सर्च वारंट कब इशूड होगा, देखो सबसे पहले यही मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रिक्स में कि सर्च वारंट कब इशूड होगा, जब ऊपर समन्स की वजह से उसको क्या है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगी. तो इसमें क्या है, जहां पे कोर्ट को रीजन टू बिलीव है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि 91 और 92 में जो भी समन्स भेजे गए हैं, ठीक है, उनके भेजने के बावजूद भी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे विल नॉट और वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सर्च वारंट इशू कर देंगे. नेक्स्ट रीजन इसके बाद ये होगा कि देखो पहला तो ये हो गया कि ठीक है वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, दूसरा रीजन ये हो गया कि उन्हें पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट जो मंगानी है वो उनके पास है कि नहीं है, तो वारंट रिलीज कर देंगे ताकि क्या हो जाए, सर्च हो जाए और फिर वो डॉक्यूमेंट मिल जाए. थर्ड रीजन इसके बाद ये हो सकता है कि देखो जहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्पज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग्स जो है वो तभी सर्व होगा जब क्या है जनरल सर्च होगी. इसमें किस बारे में बात की जा रही है, एक जनरल सर्च के बारे में बात की जा रही है, ना कि स्पेसिफिक सर्च के बारे में, ठीक है, और उस जनरल सर्च या फिर इंस्पेक्शन से वो चीज जो है वो पूरी हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है मिल जाएगी जो भी कोर्ट को चाहिए, तो वो क्या रिलीज कर देंगे, वो लोग रिलीज कर देंगे सर्च वारंट. नेक्स्ट इसके बाद आता है इसमें सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 में बात हो रही है द कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट, ठीक है, कोर्ट को अगर सही लगता है तो क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड. ठीक है, ये किस बारे में बात हो रहा है, पर्टिकुलर सर्च के बारे में बात हो रही है. ऊपर किस बारे में बात हो रही थी, जनरल सर्च के बारे में बात हो रही थी. ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर जगह, ये नहीं है कि तुमको एकदम बोल दिया कि जाओ कानपुर में ढूंढ के लाओ, जाओ लखनऊ में ढूंढ के लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक पर्टिकुलर जगह बताएंगे, पर्टिकुलर प्लेस बताएंगे, हर चीज पर्टिकुलरली एक तरह से मेंशनड होगी. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 में है नथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट और other than a district magistrate or CGM to grant a warrant to search for a document, parcel or other things in the custody of postal or telegraph authority. ठीक है, इसमें क्या है, इस चीज में जो भी कंटेंट है ऑथराइज नहीं करेगा मजिस्ट्रेट या फिर डीएम को या फिर सीजीएम को टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी. ठीक है, टेलीग्राफ अथॉरिटी पोस्टल अथॉरिटी के लिए वारंट वगैरह जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो खुद में एक अथॉरिटी है. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 94. सेक्शन नंबर 94 इसी की हेडिंग में, इसमें क्या है, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा. इसमें देखो क्या है, इफ अ डीएम, डीएम को, एसडीएम को या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखो उनको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, इंक्वायरी वगैरह से मिलती है और उन्हें लगता है, उनको लगता है कि जरूरी है कि और या फिर उनको रीजन टू बिलीव है दैट एनी प्लेस इज यूज फॉर द डिपॉजिट ऑफ सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. ठीक है, चोरी के सामान की दुकान है, क्या बोलेंगे उसको, चोर बाजार है. ठीक है, या फिर क्या है, और फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल. ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हमने पहले भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, उनको सेल नहीं किया जाना होता है, तो उसको रखने के लिए क्या चाहिए, कारखाना चाहिए होता है. ठीक है, To which this section applies or that any such objectionable article is deposited in any place, ठीक है, किसी भी place पे deposited है, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable. किसको वो लोग बोलेंगे, above the rank of constable वाले officer को बोलेंगे कि जाओ और search करो. अब क्या क्या उसको करना होगा, सबसे पहला क्या है, to enter with such assistance as may be required. ठीक है, उस जगह को आप पहले जाओ, आप जब पहले जाओ उस दया दरवाजा तोड़ो, उस जगह में घुसो, फिर उसके बाद घुसने के बाद क्या करो, सर्च करो, सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट. ठीक है, तके के पीछे देखना है, वारंट भी लिखा है, बेड के नीचे देखना है, देखो वारंट भी लिखा है, लॉकर के अंदर झांकना है, झांको. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आया है टू टेक पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट्स टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी. अब क्या है, ये चोरी, अब देखो
अलमारी के अंदर झांका, आपने देखा अरे ये तो भगवान की मूर्ति इन्होंने चुरा के रखी है, उसको रख लो। फिर इसके बाद है टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। सामान आपने रख लिया, अब मजिस्ट्रेट के सामने उसे दिखा दो, देखो ये है मूर्ति जो उन्होंने चुराई थी, और उस आदमी को भी ले जाओ। कैसे? टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रिवी टू द डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो सामान आपने ले लिया, उस आदमी को भी आप ले लो, क्योंकि सजा किसको दोगे? आदमी को ही दोगे, है ना, जो जिसने उसको चोरी कर रखी है, जिसने वहां से चोरी कर रखा है, सॉरी। देन इसके बाद आता है सबसेक्शन टू, द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर। अब देखो इसमें ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। पहला क्या है? काउंटरफिट कॉइन, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है, किसमें? आईपीसी में। नेक्स्ट है पीस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द मेटल टोकन्स एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट्स वगैरह में जो चीजें फॉरबिड हैं वो देख लेना। काउंटरफिट करेंसी, ये तो ऑब्वियस है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है अगर आपने पढ़ा नहीं भी होता तो। काउंटरफिट स्टैम्प्स, ये भी आपको लिखना ही लिखना है अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत कॉमन है। और फॉल्स सील्स, ठीक है, सील्स हो गया, स्टैम्प्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, करेंसी नोट्स हो गए, काउंटरफिट कॉइन्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? काउंटरफिट पैसा नोट वगैरह नहीं चलेगा, काउंटरफिट स्टैम्प्स नहीं चलेगा, झूठी सील्स नहीं चलेंगी, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। फिर इसके बाद क्या है? और भी चीजें हैं इसमें, सिर्फ यही नहीं है। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हैं सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी में जो रिफर्ड किए गए हैं। और उसके बाद क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स रूट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशनड इन क्लॉज ए टू एफ। ठीक है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं जो मेंशन है। अब देखो ज्यादा इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, बस इसके हेडिंग याद रखने की जरूरत है कि अगर आपको कोई भी ऐसा सामान वामान रखे, दया दरवाजा तोड़ो, जाओ सर्च करो और उसको लेके आओ और मजिस्ट्रेट के सामने शो करो, बस इतना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 95, इसमें है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफीटेड एंड टू इश्यू सर्च वारंट्स फॉर द सेम। सेक्शन नंबर 95 और 96 हमें एक साथ करना है, क्योंकि ये क्या है, डील करती है फॉरफीटेड डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। अब ये फॉरफीटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है न्यूज़पेपर, बुक या फिर एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, न्यूज़पेपर, बुक या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट। अब ये फॉरफीचर करेगा कौन? करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट को जहां पे भी लगता है कि कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या फिर डॉक्यूमेंट क्या कंटेन करती है, कोई भी ऐसा मैटर कंटेन करती है जिससे उनको सजा क्या मिलेगी, 124A, 153A, ये सब देखो वो वाले सेक्शन है इंडियन पिनल कोड के जो सेडिशन और इन सबसे रिलेटेड, आउटरेज, नेशनल फीलिंग, रिलीजियस फीलिंग, इन सबसे रिलेटेड या फिर सेडिशियस मैटर से रिलेटेड डील करते हैं, ये वो सारी चीजें हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन करेगी और ग्राउंड्स बताएगी। ठीक है, कि इस ग्राउंड के तहत कि आपके ये ओपिनियन हमें अच्छे नहीं लगे। ग्राउंड्स ऑफ इस ओपिनियन, डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर कंटेनिंग सच मैटर एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफीटेड। एक भी चीज नहीं छोड़नी है, पूरी फॉरफीट करनी है। ठीक है, और फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेंगे, वो सीज कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, द सेम वेयर इन फाउंड इन इंडिया एंड एनी मजिस्ट्रेट मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू एंटर अपॉन एंड सर्च। अब देखो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं, देखो एक तो मार्केट से हटा दी गई, सीज कर ली गई, दूसरा क्या है कि सर्च भी करो, ढूंढ ढूंढ के उसे हटाओ उस जगह से, ये भी कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96 न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज इन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। ठीक है, मीनिंग बता दी गई है, और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड एनी पेंटिंग, ड्रॉइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी ऐसे विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि ऑब्सीन है, जो कि आउटरेज कर रही है मॉडेस्टी, जो कि आउटरेज कर रही है रिलीजियस फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें इसके अंडर है। नेक्स्ट है, नो ऑर्डर पास और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। जो भी ऑर्डर इसके अंडर क्या कौन पास कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है, वो क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा इन एनी कोर्ट अदरवाइज दैन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96। यानी कि इसका रिलीफ, अगर आपने एक बुक पब्लिश की है और उसको इसके तहत हटा दिया जा रहा है, सीज कर दिया जा रहा है, तो इसका रिलीफ आपको किसमें मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 96 में मिलेगा। तो सेक्शन 96 क्या है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट एसाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। क्या है डिक्लेरेशन, फॉरफीचर की डिक्लेरेशन है, तो आप उसकी एप्लीकेशन कहां लेके जाओगे, हाई कोर्ट में लेके जाओगे। अब इसमें क्या है, एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट। अब मान लो आपने बुक लिखी है तो आप ही को तो इंटरेस्ट होगा उसमें, न्यूज़पेपर की कंपनी आपकी है तो आप ही को होगा इंटरेस्ट, तो आप ही दोगे क्या एप्लीकेशन। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है, ठीक है, और उस डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर के रिस्पेक्ट में वो क्या करेंगे, विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, ये जो 2 मंथ्स है उसको देख रही क्या, 2 मंथ्स। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स क्या करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन अप्लाई टू द हाई कोर्ट। अब ये नहीं है कि तुम एक साल बाद जा रहे हो कि हमारी बुक, अरे वो बुक तुम्हारी पुरानी हो गई है, एक साल हो गया, 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट पर अप्लाई करोगे किस चीज के लिए, टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड दैट द इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर और द बुक और अदर डॉक्यूमेंट
ठीक है, इशूज, बुक, डॉक्यूमेंट जो भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन वॉज मेड डिड नॉट कंटेन एनी सच मैटर एज इज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95। ठीक है, हमारी किताब खराब नहीं है, आपने गलत गलत डिसीजन ले लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने। अब हाईकोर्ट क्या करेगी, अब हाईकोर्ट को लगेगा चलो अब तो हमें डिसीजन देना होगा। डिसीजन देने के लिए कौन बैठेगा, जजेस बैठेंगे। ठीक है, जजेस क्या होंगे, अकेले तो बैठेंगे नहीं, जजेस की क्या बैठेगी, बेंच बैठेगी। क्यों, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर आया है। अब इसमें क्या हो रहा है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाईकोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 or more judges, कितने, 3+ judge, ठीक है, 3 or more judges बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय अ स्पेशल बेंच ऑफ हाईकोर्ट कंपोज ऑफ 3 judges वेयर द हाईकोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 judges, सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल जजेस ऑफ दैट हाईकोर्ट। ठीक है, कितने होने चाहिए, एक हाईकोर्ट में मान लो 3 से कम जजेस है तो सारे जजेस हो जाएंगे, यानी कि 2 जज हैं तो दोनों जजेस हो जाएंगे, और जनरली क्या है 3 जज तो होंगे ही होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ऑड हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आगे हम सबसेक्शन 5 में पढ़ेंगे कि मेजॉरिटी डिसीजन मैटर करता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑन द हेयरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन एविडेंस इन एड, ठीक है, ऑफ द प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड्स। अब देखो सिर्फ शब्दों को नहीं देखना है, उसके नेचर उसकी टेंडेंसी वगैरह को देखना है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू, उसकी एविडेंट्री वैल्यूज वगैरह लेनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखनी है और परखनी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब देखो सारी चीजें हो गई, हाईकोर्ट का एक तरह से देखना परखना हो गया, उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड तो नहीं पर दूसरे तरह का माइंड लगा करके देख लिया कि ये डॉक्यूमेंट कैसी है। ठीक है, एज अ रीडर उन्होंने अपना माइंड लगाया। नेक्स्ट इसके बाद अब हाईकोर्ट क्या है, अपना जुडिशियल माइंड लगा रहा है, क्या हाईकोर्ट शैल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये इस सेक्शन के अंडर आ रही है, 153 है, 124 यानी सेडेशियस वगैरह है, हाईकोर्ट को लगता है कि नहीं ये सब सेडेशियस नहीं, ये सब फालतू के, स्टेट गवर्नमेंट फालतू में इसको बैन कर रही है इस डॉक्यूमेंट को, तो क्या करेंगे वो लोग, उसको बोल देंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर को हटा देंगे, क्या कर देंगे, सेट असाइड कर देंगे। बट नेक्स्ट क्या है, वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अब देखो जब नहीं अगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं वो ऐसा काम कर रही है डॉक्यूमेंट तो फॉरफीचर को हटाएंगे नहीं, इसलिए वो उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है, वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें क्या है, ओपिनियन का डिफरेंस है अमंग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच, उनकी स्पेशल बेंच है और उनके पास क्या है, डिफरेंस ओपिनियन है, तो डिसीजन क्या होगा, डिसीजन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दोज जजेस। ठीक है, 3 जजेस है, एक को लगता है कि अरे ये तो खराब है, 2 को लगता है नहीं नहीं ये सही है, सही डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोल देंगे वो लोग कि ठीक है उसको सेट असाइड कर देंगे उसके फॉरफीचर को। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेजोरिटी डिसीजन पे काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 97 and 98। ठीक है, 97 बात करते हैं रॉन्गफुली कन्फाइंड के बारे में और 98 बात करता है कन्फाइंड या फिर अबडक्टेड फीमेल के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, एक पर्सन है जो कि रॉन्गफुली कन्फाइंड है, इसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या, मिनी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये क्या है, रॉन्गफुली कन्फाइंड है एक पर्सन, और इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SDM या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये कौन हो गए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, इन्हें ऐसा लगता है, इनके पास रीजन टू बिलीव है कि जो भी इंसान जो है, एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एक तो होता है कन्फाइंड होते हैं लोग पर उन्हें कन्फाइंड होना होता है क्योंकि उन्हें सजा मिली हुई होती है, दूसरा क्या होता है, कन्फाइंड होते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव कन्फाइनमेंट, दूसरा होता है नेगेटिव कन्फाइनमेंट, ये नेगेटिव कन्फाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो क्या कर देंगे, ही में इशू अ सर्च वारंट, पहले तो उस इंसान को ढूंढो, एंड द पर्सन टू होम्स अ सर्च वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड। अब देखो वो इंसान क्या करेगा, सर्च करेगा, ढूंढेगा, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा, बस इतना सा है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 98, इसमें है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल। अब मान लो एक फीमेल जो है एबडक्ट हुई है, उसको रिस्टोर करना है, तो इसमें कंप्लेन कौन करेगा, कंप्लेन इज मेड ऑन ओथ ऑफ द एबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमन। कैसे है, ओथ पे की गई है ये कंप्लेन, ऐसे नहीं कि तुमने फर्जी लेटर लिख दिया और हो गया, ओथ पे की गई है ये कंप्लेन। ठीक है, और अ फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, किसका एबडक्शन हुआ है, अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है, कि फीमेल चाइल्ड का हुआ है फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज, अनलॉफुल पर्पज आप समझ रहे होंगे, अनलॉफुल पर्पजेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अनलॉफुल पर्पज के लिए ऐसा उसको ले करके चले गए हैं, तो क्या हो जाएगा, डीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट, इसमें कौन आया, डीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट, इसमें कौन आया, डीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट सेम। ठीक है, डीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या कर देंगे, मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी। ठीक है, और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, अगर फीमेल चाइल्ड है, और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड पेरेंट गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज। देखो फीमेल है जिसके पास भी उसका लॉफुल चार्ज है उसको, या फिर अगर वो ग्रोन अप है, ठीक है, अगर वो मतलब अंडर एज नहीं है
तो क्या कर देंगे उसको, एज अ लिबर्टी उसको रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है. हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, ठीक है. जैसा भी जरूरत होगी, जितनी भी फोर्स जरूरत होगी गवर्नमेंट को, कोर्ट को, जैसा भी है, वो लगा करके उसका जो एबडक्शन है, उसको एबडक्टेड फीमेल को उसको वहां से क्या करना है, लिबरेट करना है, ठीक है. अब आई होप आपका ये सेक्शन 97-98 एक साइड से कंप्लीट हो गया होगा. 95 और 96 ये दोनों भी एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, वो कंप्लीट हो गया होगा. नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस. इसके बाद नेक्स्ट है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस, यानी कि सर्च करनी कैसे है. तो इसमें आता है सेक्शन नंबर 99, इसमें है डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वॉरेंट्स. डायरेक्शन क्या, कैसे, कब चलेंगे. तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 and 79 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सर्च वॉरेंट्स इशूड अंडर सेक्शन 93, 94, 95 और सेक्शन 97. तो ये किस बारे में बात करते हैं सेक्शन, सेक्शन नंबर 38 बात करता है पुलिस ऑफिसर को जो वारंट दिया है उससे रिलेटेड एड से, और 70 से लेकर के 79 ये सब वारंट्स के प्रोविजंस है, ठीक है. वारंट के प्रोविजंस है, इनको डिटेल में आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा. ये सारे सर्च वारंट्स पे लगेंगे, वारंट के प्रोविजन सर्च वारंट्स पे तो लगेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 100. सेक्शन नंबर 100 बात करता है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेसेस टू अलाउ सर्च. फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में कोई सर्च करने आया तो क्या होगा, आप क्या होगे, इंचार्ज होगे किस चीज के, क्लोज्ड प्लेस के इंचार्ज होगे. तो जो भी इंसान क्लोज प्लेस का इंचार्ज है, ठीक है, उससे क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर जो भी है वो डिमांड करता है कि वी वांट टू सर्च दिस प्लेस. तो उनको क्या करना है, रीजनेबल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी है ताकि वो सर्च कर पाए. नेक्स्ट इसके बाद क्या, अगर इंग्रेस होता है इनटू सर्च प्लेस, ठीक है, इंग्रेस इनटू सर्च प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन, यानी कि आप अंदर नहीं जा पाते हो तो क्या होगा, दरवाजा तोड़ो दया वाला केस हो जाएगा, ठीक है. तो सेक्शन नंबर 40, तो क्या होगा, ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मे प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47. सबसेक्शन 2 ऑफ 47 में क्या है, दरवाजा तोड़ो दया, ठीक है, सारे मीन्स प्रोवाइड करके आप घुस जाओगे अंदर. नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 3 वेर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेसेस रीजनेबली सस्पेक्टेड. अब देखो क्या है, आप अंदर तो घुस गए, दूसरा इंसान जो अंदर था उसने क्या कर दिया, जो सामान आप ढूंढने आए थे उसे अपने छुपा लिया अपने पास ही. तो जिस इंसान ने अपने पास सामान छुपा लिया उसको क्या करोगे, क्या अगर क्या करोगे, उस पर्सन का सर्च करोगे. आप करने गए थे उस जगह की सर्च, उस सामान की सर्च, और उस सामान की सर्च करने के लिए अगर आपको पर्सन की भी सर्च करनी पड़ जाए तो उस पर्सन को भी सर्च करोगे, और अगर वो पर्सन एक वुमेन है तो एक वुमेन ही, वुमेन ऑफिसर ही उसे सर्च करेगी. नेक्स्ट इसके बाद है सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 4 बात करता है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, ठीक है. अगर देखो सर्च करने से पहले क्या है, उन्हें क्या चाहिए, दो विटनेसेस चाहिए, टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी चाहिए. वो क्यों चाहिए, एज अ विटनेस, ठीक है, एज अ विटनेस चाहिए, और अगर उस लोकेलिटी में नहीं है तो किसी और लोकेलिटी के इनहेबिटेंट्स चाहिए. नेक्स्ट इसके बाद क्या है सबसेक्शन 5, इसमें क्या है, देखो जो इनहेबिटेंट्स है उनके प्रेजेंस में ही जो होगा सर्च होगी, लिस्ट भी बनेगी उनके प्रेजेंस में, और उन्हें क्या करना पड़ेगा, साइन वगैरह करना पड़ेगा. इसमें क्या है, द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ अ सर्च ऑफ द प्लेस इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सर्च ऑफिसर, ठीक है, और साइन भी होगा उन विटनेसेस के द्वारा. बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट एज अ विटनेस. यानी कि आप दो लोगों को तो आप बाहर से ले लो, फिर वो बोले अरे नहीं यार तुम हमें कोर्ट भी ले जाओगे, नहीं सर आपको कोर्ट नहीं ले जाएंगे, आपको बस सिग्नेचर करनी है. नेक्स्ट इसके बाद है 6, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस, ठीक है, जो ऑक्यूपेंट है प्लेस का उसको क्या है, जहां जो प्लेस को आपने सर्च किया है या फिर कोई और पर्सन, ठीक है, उनके बिहाफ में शैल इन एवरी इंस्टेंस बी परमिटेड टू अटेंड, ठीक है. अब देखो सर्च चल रही है और आपके घर में सर्च चल रही है तो आपको अटेंड करने दिया जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सबसेक्शन 3 अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन पोजीशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी देयरऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सर्च पर्सन. आपके घर से हमने जो सामान लिया है हम उसकी लिस्ट आपको दे देंगे. नेक्स्ट इसके बाद है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट्स टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डिलीवर्ड और टेंडर टू हिम शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 ऑफ इंडियन पीनल कोड. 187 देख लेना क्या है उसमें, बट जनरली ये चीज है कि तुम रिफ्यूजल नहीं कर सकते इस ऑर्डर का, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 101. सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना, वो सारी चीजों के बारे में बता रहा है जो सर्च से रिलेटेड है. नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 101. सेक्शन 101 डील करता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है. सर्च देखो जो चीजें बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन सर्च की गई हैं उनका क्या डिस्पोजल होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो जो भी जो
फॉर एग्जाम्पल एक ज्यूरिसडिक्शन है और आपने सर्च करने भेजा दूसरे ज्यूरिसडिक्शन को, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिला, सामान मिल गया, थिंग्स मिल गई, और उन थिंग्स की आपने क्या बना दी, लिस्ट बना दी, ठीक है, थिंग्स मिल गई, आपने थिंग्स की लिस्ट बना दी। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, द कोर्ट इशूइंग द वारंट उसके पास लेके जाओगे जिसने कोर्ट क्या किया है, वारंट इशू किया है। बट एक्सेप्शन क्या है, अनलेस सच प्लेस इज नियर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन देयर इन दैन टू सच कोर्ट, ठीक है। अब आप देखो, आपको जिस कोर्ट ने वारंट दिया है वो कोर्ट आपसे दूर पड़ रहा है, तो फिर आप किसके पास वो सब सामान लेके जाओगे, ताकि वो सामान आप खुद ही चोरी ना कर लो, जस्ट अ सिनेरियो, ठीक है, ताकि वो सामान आप खुद ही ना रख लो, तो आप किसके पास ले जाओगे, जो मजिस्ट्रेट आपके पास है, ठीक है, अनलेस सच प्लेस इज नियर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जो जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है वो आपके पास है तो आप उसके पास ले जाओगे, देयर इन दैन टू सच कोर्ट, इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग्स शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट। अब जो मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है वो सारे लिस्ट वगैरह सामान वगैरह ले लेगा, एंड अनलेस देयर बी अ गुड कॉज टू कॉन्ट्ररी, ठीक है, अनलेस कोई और कॉज नहीं होता है, कोई कॉन्ट्ररी चीज नहीं होती, वो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट, ठीक है। यानी कि बीच में आपके पास एक ऑब्स्टिकल और आ गया कि अब उस मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना था, पर अब ये पास पड़ गए हैं तो उन्हें ही दिखा दो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है, बस उस चीज से रिलेटेड है कि बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है, तो उस ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को भी लूप में रखो कि सर आपके पास ला रहे थे पर आप थोड़े दूर पड़ रहे थे, पर ठीक है, अच्छा आपके पास ही ले आते हैं क्योंकि आपका ज्यूरिसडिक्शन है, बस यही वाली चीज है। नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस, डी पार्ट 102 से 105 तक। इसमें है 102 में पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है पुलिस ऑफिसर, अरे जनरल सी चीज है, सारी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, जो भी उन्हें सस्पेक्शन हो, जिस भी प्रॉपर्टी में उन्हें सस्पेक्शन हो कि वो चोरी की गई है, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में फाउंड की गई हो जिससे क्या हो, सस्पिशन ना करो, तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्पिशन, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी तो आ गई, अब प्रॉपर्टी सीज तो कर ली, अब मान लो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है, तो वो सीजर की इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उन्हें दे देंगे। फिर इसके बाद फोर्थ आगे किसको रिपोर्ट करेंगे, वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे उस चीज की इन्फॉर्मेशन के बारे में, और उनको क्या कर देंगे, कस्टडी दे देंगे। बट जहां पे कन्वीनियंटली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर दिया जा सकता, कि बहुत बड़ी मूर्ति आई है, ठीक है, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो उसकी कस्टडी क्या कर देंगे, किसी वहीं के इंसान को कस्टडी दे देंगे ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। यानी कि इधर क्या है, बॉन्ड एग्जीक्यूशन जरूरी है, हु इज अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी बिफोर द कोर्ट एज एंड व्हेन क्या है रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब हम आपके सामने ले आएंगे, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो। अब इसका प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड इज सब्जेक्टेड टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, ठीक है, क्या है, प्रॉपर्टी जो है सीज कर ली गई है उसका क्या है, जल्दी से खराब हो जाएगी, मान लो खेत खलियान वाली, मान लो फल सीज किए गए हैं, ठीक है, आम सीज किए गए, आम जो है खराब हो जाएंगे और उनकी उनकी जो वैल्यू है लेस देन 500 रुपीज है, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इट मे बी सोल्ड बाई ऑक्शन, ठीक है। और कौन से प्रोविजन के अंडर, सेक्शन 457 और 458, ये किस चीज से रिलेटेड है ये प्रोविजन रिलेटेड है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कहां से आते हैं, सेक्शन 451 से लेकर के 459, ठीक है, 451 से लेकर 459। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 103, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन में। नेक्स्ट इसके बाद है 104, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें चाहिए डॉक्यूमेंट्स रख लो, और क्या है, कोर्ट को चाहिए कोर्ट रख लेगा। नेक्स्ट इसके बाद है 105, देखो 105 जो है सेक्शन बहुत बड़ा है, बट इसको हम थोड़ा सा ही प्रोविजन करेंगे, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस। अब रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, अब इसमें क्या है, वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच द कोर्ट एक्सटेंड्स, ठीक है, देखो कोर्ट क्या चाहता है कि जहां पे कोर्ट एक्सटेंड करता है और फिर उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी उनको क्या है, समन्स भेजने हैं, वारंट्स भेजने हैं, समन्स टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग टू अटेंड एंड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, सर्च वारंट, कुछ भी भेजना है वो दूसरी जगह पे भेज सके, उसके लिए वो क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स बनाएंगे, और ये अरेंजमेंट से डील कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके बाद एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने किया है कवर 105A से लेकर के L तक, ठीक है, ये प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एकदम तुरंत देख लो, आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, आप इसकी एक नॉलेज रखो, ठीक है, उसके लिए जरूरी है। तो आई होप आपका ये 105 तक कंप्लीट हो गया हो, और अगर आपको आगे करना है तो आप ये वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके केयर टेकर है। उसी के साथ हमारा ये जो है प्रोविजन कंप्लीट होता है, ये वाला पोर्शन चैप्टर नंबर 7, ठीक है, 7A भी कंप्लीट हो चुका है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग एक बार उसे देख लीजिएगा। ये है सेक्शन 91 से लेकर के 105, कितना
91 से लेकर के 105 तक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, एंड अगर आप मेरे एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं आगे वीडियोज़ लाती रहूँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।